One more time. One more. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। जैसे कि आपको पता है कि अभी के वर्ल्ड में ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रोन्स आते हैं जिसमें कैमरे लगे होते हैं, बड़े कैमरे होते हैं, मूवेबल कैमरे होते हैं, और क्या ही ड्रोन फ्लाई करते हैं, मतलब 2-2 किलोमीटर्स की रेंज के अब बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा ही होगा ड्रोन, लेकिन ये काम कैसे करते हैं, ये होते कैसे हैं, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ड्रोन कैसे फ्लाई करें तो ये वीडियो में आपकी काफ़ी हेल्प होने लगी। बिकॉज मैं आपके लिए लेकर के आया सबसे अच्छा ड्रोन, सबसे सस्ता वाला जो आप लोग ले सकते हैं, उसे सीख सकते हैं कैसे उड़ाया जाए, और बेसिक सारी चीज़ें बिना ज़्यादा मस्ती किए, तो बिना ज़्यादा परेशानी के ड्रोन कैसे फ्लाई करें ये वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रोन। तो जिस ड्रोन की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये। सो ये है DJI का टेलो। ओके, सो ये है DJI का टेलो, और इसके फ्रंट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा कैमरा, और ये है 4 ब्लेड्स जो काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी पार्ट मूव नहीं होता, मतलब कोई भी पार्ट आप निकाल नहीं सकते। बड़ा सिंपल इसका डिज़ाइन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगती है, और ये बैटरी का कुछ साइज़ है इतना बड़ा, देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है बैटरी, बहुत ही छोटी है, काफ़ी अच्छी है। आप इसे यहाँ पर डाल दीजिए, और सिंपली ये कनेक्ट होता है आपके वाईफाई से। आप चाहे तो इसमें ब्लूटूथ कंट्रोलर भी लगा सकते हैं, और वैसे फ्लाई करके हम बाद में बताएंगे, पहले हमने सोचा इसके बारे में एक बेसिक आपको बता दिया जाए। तो बहुत ईजी है, बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि ड्रोन कैसे फ्लाई होता है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को पता चले ब्लेड्स, तो ये ब्लेड्स भी मूवेबल है और ये रिमूवेबल भी है। इवन अगर आपको ब्लेड टूट जाती है या फिर यू नो कभी क्रैश होता है तो कोई दिक्कत, वैसे क्रैश होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज वी हैव दिस क्रैश प्रोटेक्टर। सो अगर आपकी ब्लेड्स ख़राब हो जाती है तो आप चेंज कर सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगी। मतलब काफ़ी एकदम सिंपल है भाई, क्या ही दबा के उड़ता है। वैसे फ्लाई टाइम ज़्यादा नहीं है इसका बिकॉज इसकी बैटरी बहुत स्मॉल है, बहुत कॉम्पैक्ट है, और जो कैमरे की क्वालिटी है वो इतनी भी तबाही नहीं है। जैसे कि बोलते ना आप 4K रिकॉर्ड कर ले या फिर कोई ऐसे एकदम बोलते 60 फ्रेम वाली, ये 720 एक सिंपल है अगर आपको सीखना है उसके लिए। तो इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा अमेज़ॉन की। तो अभी अपन चलते हैं फटाफट इसको फ्लाई करते हैं, और आपको दिखा देते हैं एप्लीकेशन कि इसका एप्लीकेशन कितना ईजी है। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, कोई ज़्यादा एकदम आपको रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको फ्लाई करके। तो पहले हम लोग कर लेंगे इसको वाईफाई से कनेक्ट। अभी चलते हैं इसके इंटरफेस पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे हम बाहर नहीं जाएंगे, अपनी लैब में जा करके इसको फ्लाई करेंगे, ताकि जहाँ पे भी हम फ्लाई करें वो सेफ एनवायरनमेंट हो। आप खुली जगह में ही जा करके ट्राई करिएगा, क्योंकि क्रैश व्रैश होने के कभी आप जो आता नहीं है आपको तो क्रैश हो सकता है। वैसे इसमें बहुत सारे सेंसर्स भी, अगर मैं आपको सेंसर्स दिखा दूँ तो आप देखेंगे इसके नीचे यहाँ पे ये 3 सेंसर्स है। तो ये फॉर द हाइट एंड एल्टीट्यूड देखने के लिए है, अगर आप हैंड लैंडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत पसंद आई, मतलब स्टडी है। एक दो बार क्रैश भी हो गया मुझसे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ इसे। और वाईफाई का कनेक्टिविटी भी बहुत ईजी है, फटाफट कनेक्ट हो जाता है। सो गाइज़ ये है अपना टेलो वाला ड्रोन, और देख रहे हो क्या ही कमाल का है ये, जितना छोटा है। अब इसके आपको मैं दिखाता हूँ इसके स्पेशलिस्ट चीज़ें जो जो इसमें, तो जितना ये छोटा है उतना ही ये कमाल का उड़ता है। तो ये है इसका एप्लीकेशन, और ये हो जाता है ब्लूटूथ से कनेक्ट। और उसके बाद मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे। तो इसके आप देखेंगे साइड में यहाँ पर ये है छोटी सी एक बटन, तो यहाँ आप देख लेंगे साइड में ये है छोटी सी एक बटन जो है कनेक्ट करने के लिए साइड में, और फिर यहाँ से हम चलाएंगे ड्रोन को। तो एक काम कर लेते हैं, इस बटन को दबा देते हैं। तो इस बटन को दबाने से यहाँ जो लाइट्स हैं ये लाइट्स हो जाएगी, कलर इसका हो जाएगा चेंज, ग्रीन ऑरेंज हो रही है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में, जो अपना टेलो का एप्लीकेशन है। तो आप देखेंगे कि ये है टेलो का एप्लीकेशन, और बड़ा ही ईजी इंटरफेस है इसका। अभी आ जाएगा ये आ गया कनेक्ट का, और आपको इसके अंदर ही टेलो का मिल जाएगा। अगर टेलो हो गया तो उसको कर दीजिए कनेक्ट, और जब आप कर देंगे कनेक्ट ये हो जाएगा कनेक्ट, और इसकी लाइट हो जाएगी चेंज। तो जैसे ही लाइट हो जाएगी चेंज, देख रहे हैं अभी भी ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग गया, अभी हो गया कनेक्ट।
और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो फ्रंट का जो कैमरा है ये दिखने लगेगा, मतलब आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा कैमरा भी दिखने लग गया, हम भी दिखने लग गए और ये हो गया अपनी जगह। और अब अभी हम कर देंगे टेक ऑफ। तो जैसे ही आप करेंगे टेक ऑफ तो यहाँ पे आपको दबाना है, ये स्लाइड करना है और यहाँ से जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हवा में कुछ इस तरह, देख रहे हैं। तो ये था कुछ ड्रोन के फुटेज जो अभी हमने लिए हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, वैसे आप सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लोग चाहते हैं इसको ले सकते हैं, नीचे अमेज़ॉन की लिंक डाल दूंगा, बहुत ही अच्छा ड्रोन है अगर सीखना आप चाहो तो। मज़ा आ गया वैसे करके लैब में आकर के काम करने का, अलग ही मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।